सास बहू और सेंसेक्स एक बहुत प्यारी कॉमेडी फिल्म है। एक किटी पार्टी की कहानी है जहाँ ये सारी औरतें अपने पैसे, किटी पार्टी के पैसे इन्वेस्ट करते हैं सेंसेक्स में, और सेंसेक्स तो आपको पता है कभी ऊपर कभी नीचे, और हमारी फिल्म में सेंसेक्स क्रैश हो जाता है। तो इन औरतों की क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड्स को एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत टेंशन हो जाता है क्योंकि पैसे बुल हो गए क्रैश शेयर मार्केट में, और फिर उसके बाद क्या होता है और कैसे सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और एवरीबडी इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेंसेक्स। बहुत ही क्यूट फिल्म है। आप प्ले कर मैं किटी पार्टी ग्रुप की एक लेडी हूँ। मैं पंजाबी हूँ, किरण बंगाली है, लिलेट सिंधी है और वगैरह वगैरह। तो मेरा रोल एक टिपिकल पंजाबी लेडी का है। हम लोग एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ, तो मेरा रोल पंजाबी है। देखिए ऐसा हुआ कि किरण खेर को ये रोल ऑफर किया था और मुझे बाद में पता चला कि किरण नहीं करना चाहती थी, वो कुछ और किसी और तरह का रोल करना चाह रही थी। तो उन्होंने प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट की कि मैं बंगाली कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ, और तब फिर उन्होंने कहा कि भाई पंजाबी कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। तो उन्होंने बोला मैं एक किसी का नाम सजेस्ट करूँगी जहाँ आप यकीन नहीं मानोगे कि वो पंजाबी में बात कर सकती है, और आपने शायद एक्टिंग में उनका नाम भी नहीं सुना होगा बिकॉज शी इज़ नॉट अ फिल्म एक्ट्रेस। तुम्हारे प्रोड्यूसर्स बहुत डर गए, उन्होंने बोला यार तुम कर क्या रहे हो, कहती उनको फ़ोन तो करो। तो जयश्री जी ने मुझे फ़ोन किया, कहती है शैरन एक सिचुएशन आई है और मैं बहुत डाउटफुल हूँ, फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मेरे से थोड़ा सा पंजाबी में बात कर सकते हो। मैं क्या, मैं तो पिंड की कुड़ी आ गई, मैं तो कोई मुसीबत ही नहीं हैगी। कहती है कि मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो शी सेज अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फिल्म में काम करें। मैंने थोड़े झिझकने के बाद मैं मान गई, मैंने बोला ठीक है मैं अग्री कर लूँगी। और बस उसके बाद उनको ये खास टेंशन थी कि शैरन हिंदी में बात कर भी नहीं सकती, और आप सुन रहे हैं मेरी हिंदी काफ़ी ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि पंजाबी में कैसे बात करेगी। एनीवे सो इट ऑल हैपेंड एंड इट्स ऑल वर्क्ड आउट। आई थिंक यू नो समथिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ द मूवी एंड आर यू आल्सो हैविंग एक्चुअली मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था, मैंने बोला यार एक गाना तो दे दो मुझे, बट मेरे ख्याल से गाने बन गए थे जब तक मैं आई थी फिल्म में, और तो अफसोस की बात है कि मैंने फिल्म में गाना नहीं गाया है। बट इन एनी केस फिल्म एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था, और ये छोटी छोटी बातें हैं ये चलती रहती हैं लाइफ में। ये मुझे एक रोल ऑफर किया, यू नो ऑफर किया थे इन लोगों ने, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सो इट्स ओके, आई एम नॉट सिंगिंग बट आई एम एक्टिंग एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू।